उन पर्याय विषय पे हमारी चर्चा चल रही। कल थोड़ी चर्चा हमने प्रारंभ की थी, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं। छात्रों ने प्रश्न उठाया था कि आजकल तो ऐसे ऐसे भंग भी बन गए हैं जिनसे पूरा का पूरा विश्व भी समाप्त हो सकता है। तो उसके उत्तर में अध्यापक ने बताया था कि अरे ये विश्व समाप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि छह द्रव्यों के समूह का नाम विश्व है, कि जहाँ छह द्रव्य पाए जाते हैं कि उसी का नाम विश्व है। और इस जगत में इन छह द्रव्यों का कभी भी अभाव नहीं होता है। इस छह द्रव्यों से बने हुए जो विश्व है, इसका नाश भी नहीं हो सकता है और इसको बनाने वाला भी कोई नहीं। वाले नाश उसी का हो सकता है जिसको बनाया गया हो, जिसको बनाया ना गया हो तो उसका नाश भी संभव नहीं। कि इस विश्व को बनाने वाला जगत में कोई भी नहीं, सब भगवान ने तो बनाया है ना। भगवान तो करता हरता है, भगवान तो विश्व को बनाने वाला है। भगवान ना हो तो विश्व चल सकता है? कि भगवान भी इस विश्व को बनाने वाले नहीं। एक तर्क इस प्रसंग में दिया जाता है कि ऐसे मान लीजिए कि किसी भगवान ने भी विश्व बनाया है तो भगवान कौन से द्रव्य है? छह द्रव्यों में कौन से द्रव्य है? सब जीव द्रव्य है, वे भगवान जीव द्रव्य। तो इसका मतलब वो भगवान तो पहले से है ना। तो भगवान को तो किसी ने बनाया नहीं, तो भगवान तो पहले से है, इसका मतलब वो जीव द्रव्य तो पहले से ही। तो भगवान को कुछ सामग्री की आवश्यकता महसूस हुई होगी बनाने के लिए, तो सामग्री कहाँ से? तो सामग्री जो है वो पुद्गल द्रव्य है। तो बाहर में जो कुछ भी हम दिखाई देता है वो सब क्या है? पुद्गल द्रव्य है। तुम्हारे पुद्गल द्रव्य भी पहले से, अब बनाया होगा तो फिर यहाँ वहां जाना भी पड़ा होगा, चीजों को हिलाना भी पड़ा होगा। तो धर्म द्रव्य का कार्य क्या है? कि जिसके निमित्त से हलन चलन होता है उसका नाम धर्म द्रव्य है। तो धर्म द्रव्य भी पहले से, और बनाने के लिए चीज को अवस्थित भी करना पड़ता है। ऐसे चलती रही चीजें तो बन सकता है क्या? कि चलते चलते वो चीजों को रोकना भी पड़ता है, तो अधर्म द्रव्य। और कहां पर बनाया है? कि जहां पर बनाया है, जहां पे भगवान थे, जहां रहकर उन्होंने बनाया है, कि उस जगह को आकाश द्रव्य है या नहीं, काल द्रव्य, परिणमन हुआ या नहीं हुआ। पहले विश्व नहीं था और अब विश्व हुआ, तो ये परिणमन हुआ या नहीं हुआ? तो ये परिणमन तो पहले से था। तो छह द्रव्य तो पहले से ही है। तो विश्व की रचना भगवान ने की या वो पहले से ही विश्व था? मानी एक तर्क प्रस्तुत किया जाता है इस प्रसंग में, मानी छह द्रव्य को बनाने वाला कोई भी नहीं है। यदि भगवान का अस्तित्व भी हम पहले माने तो वहां पे छह द्रव्यों की मौजूदगी माननी ही होगी, और उस छह द्रव्य के होने का नाम ही विश्व है। जहाँ ये छह द्रव्य पाए जाते हैं उसका नाम विश्व है, और इस विश्व को बनाने वाला कोई नहीं है और इस विश्व को नाश करने वाला कोई नहीं। फिर उसके बाद द्रव्य की परिभाषा हमने देखी थी कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, छह द्रव्यों के समूह को भी विश्व कहते हैं और गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। दोनों जगह समूह शब्द का प्रयोग है, लेकिन दोनों समूह शब्द में अंतर है या एक समान है? क्या अंतर है? छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहना, यहाँ पे भी समूह शब्द का प्रयोग है, और गुणों के समूह को द्रव्य कहना, यहाँ भी समूह शब्द का प्रयोग है। तो दोनों समूह शब्द का एक ही अर्थ है या अलग अलग अर्थ है? अलग अलग अर्थ है। तो क्या अलग अलग अर्थ है? देखिए जैसे वो मोती चूर का लड्डू खाया कभी, तो मोती चूर के लड्डू में वो एक एक दाना अलग अलग होता है और उसको एक कर दिया जाता है।
जाता है। तो ये जो समूह बना है ना, इसका नाम विश्व है। मानी ये जो समूह की परिभाषा हुई कि वो अलग अलग थे और उनको एक कर दिया गया है, तो उनके समूह का नाम वो लड्डू बना है। तो ऐसे ही छह द्रव्यों के समूह का नाम विश्व है। यहाँ एक एक द्रव्य की सत्ता अलग अलग है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिला हुआ तो दिखाई देता है। सिद्धालय में यदि हम देखें तो एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विराजते हैं। कि जहाँ एक सिद्ध भगवान विराजमान है वहीं पे अनंत सिद्ध विराजमान है। क्योंकि सिद्ध शिला तो उतनी ही है, 45 लाख योजन की वो सिद्ध शिला है और उतनी ही क्षेत्र में वो सिद्ध जो भगवान है वो उतने क्षेत्र में जाकर के विराजमान होते हैं और आज तक अनंत सिद्ध हो चुके हैं। तो क्षेत्र तो उतना ही पर्याप्त है, उस उतने से क्षेत्र में अनंत सिद्ध विराजमान। अरे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिला हुआ तो दिखाई देता है, सब आपस में मिले हुए हैं। जहाँ हम बैठे हुए हैं वहीं पे अनंत निगोदिया जी, पुद्गल परमाणु, छोटे छोटे पुद्गल परमाणु है, भाषा वर्गणाएं हैं, कार्बन वर्गणाएं हैं। अरे इसी जगह इस क्षेत्र में पूरा विश्व यहाँ है, इस कमरे में छह द्रव्य यहाँ है या नहीं है, पूरा विश्व यहाँ पे है। तो दिखाई ऐसा देता है कि सब आपस में मिले हुए हैं, लेकिन इस मिली हुई अवस्था में भी एक एक द्रव्य का अस्तित्व, एक एक द्रव्य की सत्ता वो एक दूसरे द्रव्य से अलग है। माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलता नहीं, एक द्रव्य के गुण वो दूसरे द्रव्य के गुण में जाकर के मिलते नहीं। एक एक द्रव्य की अस्तित्व, एक एक द्रव्य की सत्ता, वो दोनों वो सब भिन्न भिन्न। तो इसका नाम है छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। लेकिन जब गुणों के समूह की बात आती है तो वहां पे ऐसा समूह नहीं है कि वो मोतीचूर का एक एक दाना हमने अलग अलग था और उसको जोड़ दिया। ऐसे ही आत्मा में अनंत गुण पहले अलग अलग थे और फिर उनको जोड़ दिया हो, कि ऐसा समूह नहीं, वो अखंड समूह है। वो अलग अलग नहीं है कि ज्ञान अलग हो, दर्शन अलग हो, चारित्र अलग हो, ये अलग अलग गुण नहीं, एक वस्तु में रहने वाले अखंड गुण है। इनमें भेद नहीं है, ये अलग अलग नहीं, ये ऐसे नहीं थे कि पहले अलग अलग थे और वापस उसमें मिला दिए गए। जैसे वो मिश्री होती तो मिश्री में सफेद पना, उसका मिठास पना, उसका कठोर पना, ये जो सारे गुण है वो उसमें एक मेक है। ऐसा नहीं कि वो मिठास उसमें से अलग ला के भर दी गई हो, सफेद पना उसमें भर दिया गया हो, ये पहले से ही है, अनादि से ही व्यवस्था है। तो छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं और गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। एक और बात इसमें कि द्रव्य की परिभाषा गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, अवगुणों के समूह को, अवगुणों के समूह को द्रव्य नहीं कहते। इस द्रव्य में गुण ही पाए जाते हैं, अवगुण नहीं पाए जाते। तो फिर आपका प्रश्न होगा कि अवगुण तो दिखाई देते हैं ना, कोई ज्ञानी दिखाई देता है तो कोई महाज्ञानी दिखाई देता है, कोई पुण्यात्मा दिखाई देता है तो कोई महापापात्मा भी दिखाई देता है, कोई शांत परिणाम वाला दिखाई देता है तो कोई महाक्रोध करने वाला भी दिखाई देता है। अवगुण तो दिखाई देते हैं ना, वास्तव में अवगुण आत्मा में है। गुण सत्ता तो मात्र गुणों की ही, लेकिन उन गुणों की पहचान नहीं करते हैं इसलिए वो अवगुण में दिखाई देते, वो अवस्था वो अवगुण रूप से दिखाई देती। दुख नाम का कोई गुण नहीं आत्मा में, लेकिन अपने सुख स्वभाव की पहचान नहीं होती है, अपने स्वरूप को नहीं पहचानते हैं, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा नहीं जानते हैं तो दुख प्रकट होता। ये सुख गुण की ही विकारी पर्याय है, गुण तो सुख ही है। माने प्रत्येक द्रव्य में मात्र आत्मा की बात नहीं है, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, किसी भी द्रव्य में अवगुण नहीं पाया जाता। गुणों का समूह द्रव्य है, अवगुणों के समूह का नाम द्रव्य नहीं। यदि कोई अज्ञानी दिखाई देता है तो अज्ञान नाम का गुण नहीं है, वो ज्ञान गुण का क्षयोषम ऐसा है कि वो अज्ञानता दिखाई दे रही है, वो ज्ञान गुण का परिणमन ऐसा है कि अज्ञानता दिखाई दे रही है। क्रोध नाम का गुण आत्मा में नहीं, क्योंकि वो क्षमा स्वभाव को नहीं पहचानते हैं तो क्रोध होता दिखाई दे।
बात पकड़ में आ गई। देखिए तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। इसमें एक और परिभाषा हमने देखी थी तत्वा सूत्र जी के आधार से, जो एक और परिभाषा द्रव्य की आई, कौन सी परिभाषा है? गुण पर्याय बल द्रव्यम, कि गुण और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। कि अभी तक तो यही परिभाषा पढ़ते हुए आए कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, लेकिन यहाँ इसका थोड़ा सा और उसको खुलासा करते हुए, विस्तार करते हुए कि गुण और पर्यायों के समूह का नाम द्रव्य है। माने तीन चीजें हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय, इन तीनों का नाम एक है, वो द्रव्य। माने जहां गुण और पर्याय पाई जाती है उसी का नाम क्या है? द्रव्य। एक द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है? कि उस द्रव्य में गुण और पर्याय पाए जाते हैं, तो गुणों और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ये चर्चा किसकी चल रही है? चेहरे देख के ऐसा लग रहा है कि कोई होगा, कोई द्रव्य, छह द्रव्य कोई होते होंगे, क्योंकि चर्चा चल रही होगी। हमें क्या मतलब है इससे? अरे हमारी चर्चा चल रही है, मेरा ये जो अस्तित्व है, मैं जो हूँ वो हूँ कैसे, तो उसकी चर्चा चल रही है। ये विश्व बना कैसे है, वो विश्व में रहने वाले कौन है, ये विश्व में हम और आप ही तो रहने वाले हैं, ये छह द्रव्य ही तो रहने वाले हैं, ये हम और आप की चर्चा है। इस पर्याय में जो हम नाम धारण करके बैठे हुए हैं कि मैं प्रतीक हूँ, आपके जो जो नाम हो, वो नाम वाला मैं हूँ या मैं कोई और हूँ, वो निर्णय कराने वाला ये पाठ है द्रव्य गुण पर्याय। क्यों निर्णय करना कि क्या द्रव्य है, क्या गुण है और क्या पर्याय? ये विश्व बना कैसे है, ये विश्व की रचना कैसे हुई? तो गुण और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ठीक है, कल गुण और पर्याय की परिभाषा भी हमने देखी थी। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। प्रश्न खड़ा होता है कि वो अवस्था किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं? कि गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। एक और परिभाषा इसकी प्राप्त होती है कि द्रव्य के परिणमन को पर्याय कहते हैं। किसे पर्याय कहते हैं? गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं अथवा द्रव्य के परिणमन को पर्याय कहते हैं। ये बात समझ में नहीं आई, या तो गुणों के परिणमन को पर्याय कहो या द्रव्य के परिणमन को पर्याय कहो, कैसे एक बात है? चलिए इसको अपन समझते हैं थोड़ा सा। पहली परिभाषा, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। माने गुणों में होने वाला जो परिवर्तन है, जो अवस्थाएं बदलती हैं, उसका नाम पर्याय है। जैसे ज्ञान गुण, ज्ञान गुण की हीनाधिकता दिखाई देती, परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता। अभी हम इस पाठशाला में बैठे हुए, स्वाध्याय में बैठे हुए हैं, हर समय वो ज्ञान में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो उस परिणमन का नाम क्या है? पर्याय। माने ज्ञान गुण में जो हमें हीनाधिकता दिखाई दे रही है, कम ज्यादा पना दिखाई दे रहा है, ये पर्याय, ये परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है, तो गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। अब मेरा प्रश्न ये है कि द्रव्य किसे कहते हैं? कि वो गुणों के समूह का नाम ही द्रव्य है। ऐसा नहीं कि द्रव्य अलग है और गुण अलग है, ये कहने में तीन चीजें हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय, लेकिन है कितनी चीजें? एक ही वस्तु है। माने द्रव्य, गुण और पर्याय, ये द्रव्य किसका नाम, कि जिसे गुण कहा जा रहा है ना, इन्हीं के समूह का नाम द्रव्य है। ये द्रव्य और गुण दो अलग अलग वस्तुएं नहीं, जो ज्ञान वाला आत्मा दिखाई दे रहा है, ये ज्ञान से युक्त वस्तु जो है वही द्रव्य है, वही जीव है।
ये ज्ञान और जीव द्रव्य ये दो अलग अलग वस्तुएं नहीं, तो गुणों के समूह का नाम ही द्रव्य है। तो द्रव्य के परिणमन का नाम पर्याय, क्योंकि गुणों का परिवर्तन होगा तो गुणों का परिवर्तन होगा अर्थात वो द्रव्य का परिवर्तन होगा, इसलिए गुणों के परिवर्तन को पर्याय कहे या द्रव्य के परिवर्तन को पर्याय कहे बात एक ही, ठीक है। तो गुणों के परिणमन को पर्याय कहते, ठीक है। पर्याय माने चेंज, बदलना, बदलाव होना। जहां आपको विश्व में बदलाव दिखाई देता है उसका नाम पर्याय है, जहां जो आपको चेंजेस दिखाई दे उसका नाम पर्याय है। इस शरीर में आपको परिवर्तन दिखाई देता है या नहीं देता, पहले जब छोटे से बालक थे, जन्म जब हुआ छोटे से बालक थे, धीरे धीरे बड़े होते चले गए, ये परिवर्तन दिखाई देता है या नहीं देता, इसका नाम ही पर्याय है। इसका मतलब ये पर्याय, बाल पहले काले हुआ करते थे और अब सफेद हो गए, तो ये परिवर्तन वो दिखाई देता है या नहीं देता, इसका मतलब ये पर्याय। जहां आपको परिवर्तन दिखाई देता है, ये शब्द बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे, पर्यमन दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, या पूछेंगे साहब शब्दों में कहां दिखाई देता है, अरे सुनाई तो दे रहा है ना, सुन के ये तो समझ में आ रहा है ना कि शब्द बदल रहे हैं, आवाज बदल रही है, ध्वनि बदल रही है, इसका मतलब ये पर्याय। विश्व में जहां आपको बदलाव दिखाई देता है, जहां चेंजेस दिखाई देते हैं, वो सब क्या है, पर्याय। गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, बदलाव को पर्याय कहा जाता है, ठीक है। अब विचित्रता ये है कि वस्तु एक ही, द्रव्य गुण पर्याय तीन कहने की वो है लेकिन वस्तु तो एक ही, लेकिन एक ही वस्तु में वो परिवर्तन भी होता है और परिवर्तन नहीं भी होता, क्योंकि गुण तो वैसे के वैसे ही है। एक द्रव्य में जितने गुण अनादि काल से हैं वो अनंत काल तक उतने के गुण वैसे के वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई कमबढ़ नहीं होता है, कोई घटबढ़ नहीं होती है, कोई कमी उनमें नहीं आती है। तो जो द्रव्य जैसा है अनादि काल से वो द्रव्य वैसा का वैसा ही है। मानी जीव द्रव्य में अनादि काल से कितना परिवर्तन होता हुआ आया है, कितना परिवर्तन कि अभी हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, लेकिन कभी ऐसी भी अवस्था रही कि मात्र सिर्फ एक इंद्री जीव रहे, माने बाकी की 4 इंद्रियां नहीं थी, कभी निगोद अवस्था में रहे हैं, कभी नरक अवस्था में रहे, चारों गतियों में भटके हैं, 84 लाख योनियों से होते हुए आए हैं, माने इतना परिवर्तन होने के बाद भी सिर से पैर तक पूरा परिवर्तन हो गया, लेकिन वो जीव द्रव्य वैसा का वैसा ही। तो द्रव्य में परिवर्तन होता है या नहीं, सब परिवर्तन नहीं होता, यानी परिवर्तन को नहीं माना जाए तो फिर राग का अभाव करके, इस संसार का अभाव करके मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, तो परिवर्तन भी आवश्यक है। यदि परिवर्तन ना हो तो बदलाव नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा तो वस्तु व्यवस्था नहीं बन सकती। ये विश्व द्रव्य गुण पर्याय तीनों के आधार से टिका हुआ है, इसमें से यदि कुछ भी कम हो जाए तो वस्तु व्यवस्था नहीं टिक सकती, वो द्रव्य नहीं टिक सकता है। तो द्रव्य गुण और पर्याय माने द्रव्य वो गुणों के समूह का नाम द्रव्य है, वो गुण वो द्रव्य के संपूर्ण भागों में पाए जाते हैं और उन गुणों के परिणमन का नाम पर्याय है। तो कितनी चीजें हो गई, कितनी चीजें हैं कि एक द्रव्य है, एक गुण है और एक पर्याय, ये तीन चीजें हैं या एक चीज कि वस्तु एक है लेकिन उसको देखने के एंगल वो तीन अलग अलग, माने वस्तु तो एक ही है, वस्तु तीन नहीं है कि एक जीव नाम का द्रव्य हो, एक जीव नाम का गुण हो और एक जीव नाम की पर्याय हो, ये तीन वस्तुएं अलग अलग थी और एक जगह आकर मिल गई है तो वो एक द्रव्य कहलाता है, कि ऐसा नहीं, वस्तु एक ही है, द्रव्य एक ही है,
लेकिन एक ही द्रव्य को अलग अलग एंगल से देखने पे वो अलग अलग चीजें दिखाई देती। यदि नित्यता के एंगल से हम देखते हैं तो द्रव्य दिखाई देता है जो कभी बदलता नहीं, लेकिन उसी वस्तु को जब बदलाव के एंगल से देखते हैं, अनित्यता के एंगल से देखते हैं, तो पर्याय दिखाई देती। जैसे होता है एक छोटा सा बालक हो, ये माँ का एक छोटा सा बालक है, और छोटा सा बालक है तो इतनी समझ तो नहीं है कि क्या करना चाहिए। अब वो लेटा हुआ था, लेटे लेटे ही उसने वहां लेटे लेटे उसने मलमूत्र कर दिया, उसकी नाक भी बही जा रही है, मानो इतनी अवस्था उसकी हो रही है, वो भाई लोट फोट भी हो गया है, मानो कैसी अवस्था उसकी हो गई है, वो आप अपनी कल्पना में विचार कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी अवस्था होने पर भी वो माँ के लिए वो बेटा कैसा है, गंदा है, नालायक है, कम अकल है, कैसा है, राजा बेटा है, क्यों राजा बेटा है, अरे जितना गंदा दिखाई दे रहा है, इतनी भी समझ नहीं है कि कहाँ मलमूत्र करना चाहिए, वो नाक वही जा रही है, मुंह तक भी आ गई है, इतनी भी अकल नहीं कि उस माँ के लिए वो बेटा राजा बेटा ही है। तो जो राजा बेटा है वो कैसे है, बाहर में तो बिल्कुल अलग अवस्था दिखाई दे रही, बाहर में तो परिणाम ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो राजा बेटा तो किसी भी एंगल से नहीं हो सकता है। राजा तो हमने देखे है ना, भले अब आज के जमाने में तो प्रत्यक्ष नहीं देखे, लेकिन टीवी में तो कम से कम देखे है कैसे हुआ करते थे राजा, तो राजा जैसे तो काम उसके नहीं, लेकिन फिर भी वो राजा बेटा की क्यों, कि बाहर का परिवर्तन वहां दिखाई नहीं देता, वो नित्यता दिखाई दे रही है कि वो जो मेरा बालक है वो बालक शुद्ध ही है, वो राजा बेटा ही है। बाहर में यदि परिवर्तन दिखाई देगा तो पर्याय कही जाएगी, और वो द्रव्य यदि नित्यता दिखाई जाती है तो द्रव्य दिखाई देगा। अरे हमारे पूरा जीवन ये द्रव्य गुण पर्याय से भरा हुआ है। जैसे गर्मियों के दिन आते सबके घरों के वो कूलर एसी पंखे वगैरह सब बाहर आते हैं, सही होते, तो मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है, आप कूलर पंखे एसी वगैरह सही क्यों करवाते हैं? वो बात अलग है कि स्पर्श इंद्रिय की अनुकूलता के लिए, लेकिन प्रश्न भी ये है कि वो एसी पंखा कूलर आप सही क्यों करवाते हैं, खराब हो गए वो तो फेंक दीजिए ना, सुधार क्यों करवाते हैं। चलिए वो बात ठीक है गर्मी से राहत के लिए, लेकिन प्रश्न मेरा है कि यदि वो कूलर खराब है तो फिर उसको फेंक क्यों नहीं देते, बहुत बढ़िया। मानी ये जो खराब पना दिखाई दे रहा है ये उसकी पर्याय है, अभी जो वर्तमान में उसकी हालत दिखाई दे रही है वो खराब दिखाई दे रही है, लेकिन आपको पता है कि सही हो सकता है, ये विश्वास कैसे है कि वो सही हो सकता है, ये द्रव्य का विश्वास है, नित्यता का विश्वास है कि भले ही हालत खराब दिखाई दे रही है, दशा खराब दिखाई दे रही है, लेकिन वो कूलर सही है। कूलर सही है किस समय, जिस समय वो चल नहीं रहा है, जिस समय वो खराब है, उस समय भी आपको ये विश्वास है कि वो कूलर सही है, इस विश्वास पे हम वो कूलर सही करवाते हैं। कि द्रव्य का विश्वास ना हो, नित्यता का विश्वास ना हो तो कूलर आप सही नहीं करवा सकते। रोटी बनती है कैसे बनती है, गेहूं से बनती है या आटे से बनती है, गेहूं से नहीं बनती है, कोई कहे गेहूं किससे बनती है, तो वो गेहूं को यदि वो चक्की में पीस दिया जाए तो वो बोले कि अरे ये क्या कर दिया, वो गेहूं को तो पीस दिया अब वो रोटी कैसे बनेगी, चलो ठीक है आटे से बनती है,
अब आटे में पानी डाल दो, अरे पानी क्यों डाल दिया, अब वो रोटी कैसे बनेगी, तो वो रोटी तो सूखी सूखी होती है ना, वो गीली तो होती नहीं है, तो इतना सारा पानी डाल दिया है अब वो रोटी कैसे बनेगी। माने रोटी बनाते समय कभी टेंशन हुई आज तक आप, क्यों नहीं हुई, क्योंकि द्रव गुण पर्याय का ज्ञान है उस जगह कि वो गेहूं की कैसी भी अवस्था क्यों ना हो जाए, वो आटे में हो जाए, उसमें पानी डाल दिया जाए, लेकिन उससे वो रोटी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वो गेहूं वो वैसा का वैसा ही, अवस्थाएं बदल रही है, उतना सा गेहूं का दाना वो रोटी में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन ये कभी टेंशन नहीं हुई कि रोटी बन कैसे गई, कैसे बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वो द्रव्य का विश्वास है, वो अवस्थाएं बदलती हैं, लेकिन द्रव्य वैसा का वैसा ही रहता है। हर हर चीज में द्रव गुण पर्याय है, आप जहां नजर घुमा के देखेंगे वहां आपको द्रव गुण पर्याय ही दिखाई देंगे। आपके सामने पुस्तक रखी हुई, ये पुस्तक में द्रव गुण पर्याय है या नहीं, ये पुद्गल द्रव्य, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये उसके गुण है। नई नई किताब होती है तो एकदम सफेद वो दिखाई देती है, एकदम अच्छी दिखाई देती है, खुशबू भी आती है नई नई किताबों में आप देखेंगे, लेकिन समय के साथ वो परिवर्तन होता चला जाता है, पन्ने पीले से पढ़ने लग जाते हैं, कहीं फट जाती है, कहीं पुरानी हो जाती है, ये परिवर्तन है उसका। लेकिन इतना परिवर्तन होते हुए भी वो पुस्तक पुस्तक ही रहती है, ये उसका नित्य पना है, उसका नहीं बदलना है। हम छोटे से इतने बड़े हो जाते हैं, लेकिन वही के वही रहते हैं या बदल जाते हैं? अब प्रश्न तो ऐसा है, हम जो कहेंगे उसमें फंस जाएंगे, वही के वही कहेंगे तो इतना बदलाव तो हो गया है ना, वो बदल गए वो कहेंगे, लेकिन है तो वही के वही कि ये वस्तु व्यवस्था है, कि वस्तु वही की वही रहती है, लेकिन वही की वही वस्तु रहते हुए भी हर समय परिवर्तन चल रहा है, पर्याय हर समय बदल रही है, एक एक समय में नई नई पर्याय उत्पन्न होती है, पुरानी पर्याय नष्ट हो जाती है, हर समय ही परिवर्तन चल रहा है। हमारा अस्तित्व ये बदलने और नहीं बदलने से है, तत्वा में सूत्र आता है अस्तित्व का, माने अस्तित्व कैसे, सत्ता कैसे है किसी वस्तु की, कि उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत्य, वो सत्ता कैसे है कि उत्पाद व्यय और द्रव्य ये तीनों के कारण किसी भी वस्तु की सत्ता है। मानी ये माइक आपको दिखाई दे रहा है, तो ये माइक इस विश्व में क्यों है, हम इस जगत में हैं तो हम इस जगत में क्यों है, जो कुछ भी आपको इस विश्व में दिखाई दे रहा है उसके होने का कारण क्या है, उसमें तीन चीजें हैं, उत्पाद व्यय और द्रव्य पर। उत्पाद व्यय माने वो परिवर्तन, कि उसमें परिवर्तन होता है इसलिए वो कायम है। ये कैसी बात करते हो, एक तरफ कहते हो कि परिवर्तन होता है और परिवर्तन होने की वजह से वो कायम है, कि या तो कायम हो सकती है या परिवर्तन हो सकता है, ये दोनों हमें विरोधी लगते हैं, कि परिवर्तन और नित्य पना रहना ये विरोधी नहीं, ये एक दूसरे के पूरक, बदलाव बिना नित्यता के संभव नहीं है। ये बदल गया, क्या बदला, कौन बदला, इसका उत्तर नित्यता के बिना संभव नहीं, वो परिवर्तन किसी नित्य वस्तु का ही होता है, कौन बदला क्या बदला, इसके जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वो कोई नित्य वस्तु होगी, और नित्य वस्तु बिना परिवर्तन के नहीं रह सकती, वो बदलाव जरूरी है, बदलाव ना हो तो वस्तु का अस्तित्व कायम नहीं रह सकता, वो वस्तु अगले समय में जाए कैसे, यदि परिवर्तन ना हो तो वस्तु अगले समय में रहे कैसे, कायम कैसे रहे, तो बदलाव जरूरी है। मानी दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के विरोधी नहीं, तो द्रव्य गुण और पर्याय वस्तु एक ही है, लेकिन जहां उसमें बदलाव दिखाई देता है, परिवर्तन दिखाई देता है, तो वहां पे उसे पर्याय नाम दिया जाता है, और उसी वस्तु में जहां नहीं बदलती हुई वस्तु दिखाई देती है उसे ही द्रव्य कहा जाता है। जैन धर्म किसका नाम है,
कि बदलते हुए में नहीं बदलने वाले को देखना, इसका नाम ही जैन धर्म है। जब द्रव्य दृष्टि की बात चलती है, वेद विज्ञान की बात चलती है कि पर्यायों से भी पार है, गुण भेद से भी पार है, नहीं बदलने वाला वो तत्व है। नहीं बदलने का अर्थ क्या? वो द्रव्य की चर्चा चल रही है, उस द्रव्य पे दृष्टि देंगे तो सुख प्राप्त हो सकता है, पर्यायों पे दृष्टि देंगे तो दुख की प्राप्ति होती। किसी को यदि हम मनुष्य की दृष्टि से देखेंगे तो उसके प्रति क्रोध होना संभव है, मान होना संभव है, मायाचारी संभव है, लोभ संभव है। लेकिन उसी वस्तु को यदि द्रव्य की अपेक्षा देखे कि अरे मैं भी जीव हूँ, सामने वाला भी जीव है, अब क्रोध उत्पन्न नहीं हो सकता। क्रोध कषाय तभी उत्पन्न होती है जब लक्ष्य पर्यायों पे जाता है, जब परिवर्तन पे लक्ष्य जाता है। कोई कार्य आपके अनुसार नहीं हुआ तो एकदम से गुस्सा आ जाता है। ये गुस्सा क्यों आया? क्योंकि लक्ष्य परिवर्तन पे है, पर्याय पे है, और जहां पर्याय पे लक्ष्य होगा, परिवर्तन पे लक्ष्य होगा, वहां से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसकी चर्चा तो अभी आगे आएगी कि द्रव्यगुण पर्याय के पाठ को पढ़ने से क्या लाभ होता है, क्यों हम ये पाठ पढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले द्रव्यगुण पर्याय क्या है उसको समझना आवश्यक है। तो तीन चीजें, द्रव्य, गुण और पर्याय, तीन चीजें कही है, लेकिन वस्तु कितनी है? एक ही वस्तु है, मैं जीव द्रव्य एक ही हूँ। ये द्रव्य जीव द्रव्य अलग हो, जीव गुण अलग हो, जीव पर्याय अलग हो, ऐसा नहीं। एक ही द्रव्य है, लेकिन जब उसको बदलाव के एंगल से देखते हैं कि मनुष्य गति वाला, त्रियंश गति वाला, गति माने हालत, अवस्था, दशा, कि वो द्रव्य किस हालत में है, किस अवस्था में है, किस दशा में है, उसका नाम पर्याय है। कि मनुष्य पर्याय में, नरक पर्याय में, त्रियंश पर्याय में है, मिथ्यात्व अवस्था में है, माने मिथ्यात्व की पर्याय है, सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक्त्व की पर्याय में है, श्रावक अवस्था में है, मुनि अवस्था में है। ये सब में अवस्थाओं के नाम बता, पहले गुण स्थान में है, दूसरे गुण स्थान में है, चौथे गुण स्थान में है, अनंत अवस्था में है, सिद्ध अवस्था में है, ये सब पर्यायों के नाम है। पांच परमेष्ठी, अनंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये अवस्थाएं है जीव की, अलग अलग अवस्थाओं में पाया जाता है। ये पर्याय, माने किसी की पहचान करनी हो तो पर्यायों से पहचान की जाती है, पर्यायों से जाना जाता है कि कौन है। तो जहां बदलाव दिखाई देता है उसका नाम पर्याय, और उस बदलाव के मध्य में जो नहीं बदलता हुआ दिखाई देता है उसका नाम क्या है? द्रव्य। ठीक है, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अरे हाँ जी या ना जी? पक्का? चलिए, कल गुणों की परिभाषा हमने देखी थी कि गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं उन्हें गुण कहते हैं। माने वो गुण संपूर्ण भागों में, आत्मा के पूरे पार्ट्स में, हर पार्ट में वो गुण पाए जाते हैं। जैसे ज्ञान गुण है तो पूरी आत्मा में पाया जाता, अकेले दिमाग में वो ऐसा नहीं, पूरे आत्मा के संपूर्ण भागों में वो गुण पाया जाता है और संपूर्ण अवस्थाओं। जीव कैसी भी हालत में हो, चाहे 100 साल पुरानिया हो, चाहे 100 साल आगे हो, वो हर अवस्था में वो गुण पाया जाता है। चाहे हम महावीर भगवान के समय में हो या आज के नरेंद्र मोदी के समय में हो, किसी भी समय में हो, वो आत्मा के गुण उतने के उतने ही रहते हैं। चाहे चौथे काल में हो, चाहे पांचवें काल में हो, चाहे छठे काल में हो, वो द्रव्य में कोई कमी नहीं आती है। कि हर अवस्था में वो गुण द्रव्य में पाए जाते हैं। दो प्रकार के गुण होते हैं, सामान्य और विशेष। जो गुण सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं उन्हें सामान्य गुण कहा जाता है, और जो गुण सभी द्रव्यों में ना रहकर अपने अपने में पाए जाते हैं, अपने अपने द्रव्य में पाए जाते हैं, उन्हें विशेष गुण कहा जाता है। सामान्य गुण कितने हैं? देखिए, कभी एग्जाम हो ना आपका और वहां पे प्रश्न पूछा जाए
कि सामान्य गुण कितने होते हैं, और यदि आपने वहां पे उत्तर 6 लिख दिया तो आपका उत्तर गलत मान्य होगा, क्योंकि सामान्य गुण अनंत है, सामान्य गुण 6 नहीं है। लेकिन जिनवाणी में मुख्य रूप से 6 गुणों का वर्णन किया गया है। वो 6 गुण कौन कौन से हैं? देखिए 24वें नंबर का पेज है, सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ है अध्यापक का। छात्र का प्रश्न था कि सामान्य गुण कितने होते हैं, तो उसके उत्तर में अध्यापक ने बताया कि अनेक, अनेक अर्थात अनंत, पर उनमें 6 मुख्य हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। केवल 6 सामान्य गुणों की चर्चा यहाँ पे की गई है। वे 6 सामान्य गुण कौन कौन से हैं? अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। ठीक है, याद हुए नाम? पहला कौन सा है? सबकी आवाज नहीं आ रही। पहला गुण कौन सा है? अभी भी नहीं आ रही। पहला गुण कौन सा है? आवाज ही नहीं आ रही है। चलिए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, शिविर वगैरह लगता है तो वहाँ छोटे बच्चों से तो हम पूछ लेते हैं कि भाई मम्मी ने आज खाना दिया है या नहीं दिया। दिया है तो आवाज आनी चाहिए। ऐसे ही मुझे उम्मीद है कि आज आप सबको भी घर पे भोजन मिला हो तो आवाज आनी चाहिए। पहला गुण कौन सा है? अस्तित्व गुण। दूसरा वस्तुत्व गुण। दूसरा 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 आवाज और कम होती चली जाती। दूसरा गुण, दूसरा गुण वस्तुत्व। तीसरा द्रव्यत्व। तीसरा तीसरा चौथा 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 पांचवा 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 पहला 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 छठवा प्रदेशत्व। छठवा प्रदेशत्व। याद हुए 6 गुण? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, क्रमियत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। सामान्य गुण अनेक हैं, पर उनमें 6 मुख्य हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? अस्तित्व गुण की परिभाषा, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी भी अभाव अर्थात नाश ना हो उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य में अस्तित्व गुण है, अतः प्रत्येक द्रव्य की सत्ता स्वयं से है, उसे किसी ने बनाया नहीं और ना उसे कोई मिटा ही सकता है, क्योंकि वह अनादि अनंत। देखिए क्या कह रहे हैं कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी भी अभाव नहीं होता है, नाश नहीं होता है और ना ही उसे किसी ने बनाया है, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य को किसी ने बनाया नहीं है और कोई उसका नाश नहीं कर सकता है, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु है तो ये होने की शक्ति वो हर द्रव्य में है। माने किसी के आशीर्वाद से हमारा अस्तित्व हो, किसी की कृपा से हमारा अस्तित्व हो, कि ऐसा नहीं। माने जगत में तो ये मान्यता चलती है, जब ऊपर वाले का क्या कहें, रहम है कि उनकी मर्जी है, उनकी कृपा है कि हम हैं। यदि उनकी मर्जी ना हो, उनकी कृपा ना हो तो हम नहीं होंगे। अरे घबराने की आवश्यकता नहीं, प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व स्वयं की शक्ति से है। ये हर द्रव्य में शक्ति है कि वो हो, उसका अस्तित्व हो। माने स्वयं के होने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक द्रव्य में शक्ति है कि वो है और है, और कैसा है कि जिसका कोई नाश नहीं कर सकता।
कि ऐसा कौन सा परमाणु बम है कि वो हमारा नाश कर दे। कि जगत में आज तक ऐसा कोई भी परमाणु बम नहीं बना है कि जो हमारा नाश कर सके। अरे छह द्रव्यों का नाश हो ऐसा जगत में कोई भी बम नहीं बना। तो नाश तो हो जाता है ना, एक बम यदि यहाँ पे गिर जाए तो कोई बचेगा क्या? कि जितने द्रव्य है उतने के उतने ही द्रव्य रहेंगे, एक द्रव्य भी कम होने वाला नहीं है। जो दिखाई देगा, जो बदलाव दिखाई देगा, वो परिवर्तन दिखाई देगा, पर्याय बदलते हुए दिखाई देगी, लेकिन वो द्रव्य की जो अस्तित्व सत्ता है वो वैसी की वैसी ही कायम रहेगी। किसी के मारने से मर जाए, किसी के काटने से कट जाए, माने वो कमी अपने अस्तित्व में नहीं होती। तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता है, अभाव नहीं होता है, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य के अस्तित्व गुण है, अतः प्रत्येक द्रव्य की सत्ता स्वयं से है, उसे किसी ने बनाया नहीं। कि मुझे बनाने वाला कौन है? कि मुझे बनाने वाला कोई नहीं है, और मेरा नाश करने वाला कि जब मुझे बनाने वाला कोई नहीं है तो मेरा नाश करने वाला भी इस जगत में कोई भी नहीं। इस सत्ता स्वयं से है, उसे किसी ने बनाया नहीं और ना उसे कोई मिटा ही सकता है, क्योंकि वह अनादि अनंत है। इसी अस्तित्व गुण की अपेक्षा तो द्रव्य का लक्षण सत किया जाता है, सत द्रव्य लक्षणम, और सत का कभी विनाश नहीं होता तथा असत का कभी उत्पाद नहीं होता, मात्र पर्याय बदलती है। क्या कह रहे हैं? कि अस्तित्व गुण की अपेक्षा ही द्रव्य को सत कहा जाता है। सत माने वो होना, अस्तित्व होना, वो वस्तु को सत कहा गया तो किस अपेक्षा से कहा गया? कि प्रत्येक द्रव्य में अस्तित्व गुण पाया जाता है, इसलिए प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना सत्य है, अस्तित्व है। माने मैं हूं, ये हम किस भरोसे से कह सकते हैं कि मुझ में अस्तित्व गुण है? इस भरोसे से हमें कह सकते हैं कि मैं हूं, पहले था और आगे सदा काल रहूंगा, कि अस्तित्व गुण के कारण ही मेरी शक्ति है। ऐसी प्रत्येक द्रव्य में ये शक्ति पाई जाती है। सामान्य गुणों की चर्चा चल रही तो ये सामान्य गुण मुझ में भी पाए जाते हैं और ये सामान्य गुण इस उद्गत द्रव्य में भी पाए जाते हैं। धर्म अधर्म आकाश काल छयों द्रव्यों में सामान्य गुण पाए जाते हैं। तो छयों द्रव्यों का अस्तित्व है, माने इस छह द्रव्य को किसी ने बनाया नहीं है, क्योंकि स्वयं में शक्ति है होने की। तो अब इस अपेक्षा से द्रव्य का लक्षण सत्य किया जाता है, सत द्रव्य लक्षण, और सत का कभी विनाश नहीं होता तथा असत का कभी उत्पाद नहीं होता, मात्र पर्याय पलटती। माने जो वस्तु है उसका कभी नाश नहीं होता और जो वस्तु नहीं है उसका कभी जन्म नहीं होता, उसका कभी उत्पाद नहीं होता। ये तो आज के वैज्ञानिकों ने भी माना है कि कोई नई चीज बनती नहीं, मात्र वो एनर्जी बदलती है, वो पर्याय उसकी मात्र बदलती है। कोई नई वस्तु पैदा हो जाती हो कि ऐसा नहीं है, मात्र वो एनर्जी, जैसे साइंटिफिक भाषा में एनर्जी कहा जाता है कि एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है, मात्र वो एनर्जी का बदलना है, कुछ नया उत्पन्न हो जाता हो कि ऐसा नहीं। तो वही बात यहाँ पे कह रहे कि नया कुछ उत्पन्न हो जाए ये संभव नहीं है, असत का कभी उत्पाद नहीं होता और जो सत्य है उसका कभी विनाश नहीं होता है, वो कभी विनाश को प्राप्त नहीं हो सकता है। जो है वो सदा रहेगा और जो नहीं है वो कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए किसी भी प्रकार का भय कि मैं आज तो हूं लेकिन कल रहा नहीं रहा, किसने देखा है? भविष्य, ये भविष्य दिखा रहे हैं कि भूतकाल भी दिखाया है, वर्तमान भी है और अनंत काल का भविष्य भी है, कि भूतकाल में थे, वर्तमान में हैं और भविष्य में अनंत काल तक ऐसे के ऐसे ही रहने वाले हैं, कि मेरा नाश होने वाला नहीं है और जो वस्तु है नहीं उसका कभी उत्पाद नहीं होता। तो ऐसा भय भी मन में नहीं करना कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, कोई नई चीज बन जाए,
वो भी बनने वाली नहीं है। जो वस्तु है वो सदा वैसी की वैसी ही रहती है। कौन से गुण के कारण? अस्तित्व गुण के कारण। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना अस्तित्व है। दूसरी बात, सिर्फ आपको विचार करने के लिए मैं पॉइंट दे रहा हूँ कि प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व स्वयं से है, तो फिर उसमें आप कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। या इसको एक और एंगल से सोचा जाए कि उस द्रव्य को, उस वस्तु को अन्य वस्तु की आवश्यकता है या नहीं, स्वयं के होने में उस वस्तु की, उस वस्तु को किसी अन्य की आवश्यकता है या नहीं, घर गृहस्थी को चलाने के लिए आपकी आवश्यकता है या नहीं, आपके बिना आपका व्यापार चल सकता है या नहीं चल सकता, आपके बिना आपका घर चल सकता है या नहीं चल सकता, आपके बिना ये संसार चलेगा या नहीं चलेगा, ये कुछ विचारणीय तथ्य है। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व स्वयं से है, प्रत्येक द्रव्य को किसी भी अन्य द्रव्य की आवश्यकता नहीं है स्वयं के होने के लिए। तो हम जो एक अस्तित्व अपने मन में बिठा कर रखे है, यदि मैं नहीं होऊंगा तो ये बाकी चीजें कैसे रहेंगी, तो ये विचार करने योग्य बातें कि जहां हमारा कर्तृत्व है वहां कर्तृत्व करने योग्य है या नहीं, उस अन्य द्रव्य को हमारी आवश्यकता है भी या नहीं, इसका विचार करेगा।